An underground hideout of terrorists has been unearthed during operations in Rajouri in Jammu and Kashmir. Based on this information, a team of Army's Rashtra Rifles, CRPF and local police have launched a joint cordon and search operation in Rajouri sector. These are the latest developments coming in from Rajouri in Jammu and Kashmir, where anti-terror operations have been launched. An underground hideout of terrorists has been unearthed during this operation. Well, based on intelligence inputs, a team of Army's Rashtriya Rifles, CRPF and local police launched a joint cordon and search operations in Rajouri, after which an underground hideout of terrorists was busted. This hideout was unearthed by the security forces. So breakthrough for the security forces in Rajouri in Jammu and Kashmir with this underground hideout of terrorists being recovered. Ashik Mir is joining us for more on this story. Ashik, success for security forces in Rajouri. Give us more details. बिल्कुल, जिस हिसाब से राजौरी में एक टेरर हाइडआउट जो है बस्ट किया गया है, जहां पर आर्म्स एमुनेशन जो है रिकवर हुए हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं किस तरह से टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो है उधमपुर में भी एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पर गोलियां चलाकर उन्हें जो है शहीद कर दिया गया था। फिलहाल एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उधमपुर के बसंतगढ़ में जिस हिसाब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर कुछ रोज पहले सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को जो है उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। फिलहाल राजौरी से एक बड़ी खबर ये है कि वहां पर एक टेररिस्ट हाइडआउट जो है बस्ट किया गया है, जहां पर कई सारे आर्म्स एमुनेशन जो है रिकवर किए गए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में लगातार बीते कई महीनों से है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे हम कठुआ, डोडा, रियासी, किश्तवाड़, उधमपुर इन जैसे इलाकों की बात करें, तो जहां पर कई सारे टेररिस्ट अभी भी फॉरेस्ट जो कि डेंस फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं, और जिनको ढूंढने के लिए यहां पर आर्मी की पैरा कमांडोज को जो है इन जंगलाती इलाकों में उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब आने वाले दिनों में यहां पर इलेक्शंस के हवाले से भी तैयारियां चल रही है। 18 सितंबर से यहां पर असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे, जिसको लेकर सिक्योरिटी के जो है खास इंतजाम किए गए हैं। और एक चैलेंज रहेगा यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है इनपुट मिल रहा है कि ये टेररिस्ट ग्रुप जो है असेंबली इलेक्शंस के दौरान कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिनको लेकर आज भी जो है राजौरी में एक टेररिस्ट हाइड आउट जो है बस्ट किया गया है। जी फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।